जिसका इंतजार सभी को था वो घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल बजा दिया है। चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 11 अप्रैल को होगा। 23 मई को मतगणना की तारीख तय हुई है। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव 9 मरहले में कराया गया था। आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अरोड़ा ने चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पांचवें चरण का मतदान 6 मई, छठवें चरण का मतदान 12 मई और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा। समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को संपन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर कहा कि लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव आ गया है। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि वह इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, खासकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान 3 चरणों में होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे। 11 अप्रैल को पहले मरहले में आंध्र प्रदेश की 25, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 5, मेघालय की 2, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 1, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 2, अंडमान निकोबार की 1, लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान होगा। इस बार 90 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।